हाय गाइस, यूपीएससी में ऑप्शनल चूज करना एक बहुत बड़ा माउंटेनियस टास्क है. स्टूडेंट्स ऑफन स्पेंड मंथ्स इन डिसाइडिंग व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शनल फॉर देम. देर आर सिक्स पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन साइंटिफिकली डिटरमाइन वेदर एन ऑप्शनल इज अ गुड ऑप्शनल फॉर यू और नॉट सो गुड ऑप्शनल फॉर यू. तो क्या है ये छः पैरामीटर्स, उनको एक बार समझ लेते हैं. द फर्स्ट वन इज स्कोरिंग, मतलब क्या वो ऑप्शनल ईयर ऑन ईयर आपको अच्छी स्कोरिंग दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम कि हम मैनेजमेंट एज एन ऑप्शनल देखते हैं. सो योर फर्स्ट टास्क विल बी व्हाट आर द टॉपर स्कोर्स इन द पास्ट 10 ईयर्स. दैट विल गिव यू अ बेसिक आइडिया, ओके दिस इज अ गुड ऑप्शनल और नॉट अ गुड ऑप्शनल. द सेकेंड इज स्टेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग. नाउ स्कोरिंग मीन्स हाइएस्ट कितने जा रहे हैं. स्टेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग मीन्स कि कितने स्टेबल है वो स्कोरिंग. In the past 10 years, what has been the average score of selected students? What has been the variation in the average score of selected students? How many students have got selected by that optional? Wo sab stable scoring aapko batayega. The third one is success rate. One of the most important and one of the most talked about. Isko log market bahut karte hain, but at the same time, it's important to understand that this is just one parameter out of six parameters. But it is an important parameter nevertheless. Success rate ka matlab hai ki टोटल जितने स्टूडेंट्स ने प्रीलिम्स लिखा, जितने स्टूडेंट्स ने मेंस लिखा, उसके बाद कितने स्टूडेंट्स इंटरव्यू के बाद सेलेक्ट हुए, वो आपको बताएगा कि सक्सेस रेट कितना है. हर ऑप्शनल का सक्सेस रेट यूपीएससी अपनी वेबसाइट पे एनुअल रिपोर्ट में डालता है. सो यू कैन चेक द सक्सेस रेट ऑफ योर ऑप्शनल देयर एज वेल. द फोर्थ वन इज सिलेबस. कितना लिमिटेड सिलेबस है या कितना वास्ट सिलेबस है, वो मेजर करना बहुत ज़रूरी है विद रेस्पेक्ट टू अदर ऑप्शनल्स जिससे आपको कन्फ्यूजन हो रहा है. अगर जितना सिलेबस लिमिटेड होगा उतना ही आपके लिए बेटर होगा, बिकॉज यू कैन नाउ स्पेंड मोर टाइम ऑन अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, राइट. अब लिमिटेड सिलेबस के बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, स्टैटिक पार्ट ऑफ द सिलेबस. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स अकॉर्डिंग टू मी. स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं यूपीएससी की साइकिल में इसलिए फंसते हैं बिकॉज एवरी ईयर दे हैव टू कीप स्टार्टिंग समथिंग न्यू. इनफैक्ट जनरल स्टडीज में मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस इज फोकस्ड अपॉन रीडिंग समथिंग न्यू एंड अपडेटिंग योरसेल्फ. इफ एन ऑप्शनल इज सच वेयर यू जस्ट हैव टू कवर अ स्टैटिक पोर्शन एंड यू डोंट हैव टू कीप अपडेटिंग योरसेल्फ, यू जस्ट हैव टू रिवाइज, देन योर एनर्जीज आर सेव्ड फॉर जनरल स्टडीज. अब अगर आपका ऑप्शनल ऐसा है जिसको आपको अपडेट करना है, तो आप एक साइकिल में फंस जाओगे जहाँ पे आपको जीएस को भी अपडेट करना है और ऑप्शनल को भी अपडेट करना है, विच इज़ वेरी हेक्टिक. सो आई वुड रिकमेंड कि ऐसा ऑप्शनल उठाओ जहाँ पे स्टैटिक पार्ट ऑफ द सिलेबस रूल्स ओवर द डायनेमिक पार्ट ऑफ द सिलेबस. एंड द लास्ट वन एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज कि कितना टेक्निकल है एक ऑप्शनल समझने के लिए. कुछ ऑप्शनल्स हैं जैसे सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जिनको ज्योग्राफी, जिनको कम टेक्निकल माना जाता है. अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो भी उनको समझ सकते हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो भी उनको समझ सकते हो. बट देर आर सर्टेन ऑप्शनल्स विच आर मोर टेक्निकल लाइक मैथ्स, फिजिक्स, कॉमर्स. अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आप कॉमर्स नहीं समझ पाओगे उस लेवल तक. अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आप फिजिक्स नहीं समझ पाओगे. यू कैन नॉट राइट द एग्जामिनेशन थ्रू फिजिक्स. सो दीज आर मोर टेक्निकल ऑप्शनल्स. So you have to choose whether you want to get into a technical optional or whether you want to stick to a more generic optional. Dono ke hi advantages, disadvantages hain. So because I'm an expert in management and commerce optional, main aapko aaj management optional ke baare mein bataunga ki in 6 parameters pe management optional kaisa perform karta hai. Let us start. Now let's talk about management optional. To hum first, agar sabse pehle success rate ki baat karein, तो मैनेजमेंट ऑप्शनल का एवरेज सक्सेस रेट 10-12% रहा है इन द पास्ट 10 ईयर्स. कभी कभी 7-8% तक भी गया है, बट द एवरेज हैज बीन बिटवीन 10-12%. दिस इज कंपैरेटिवली इन कंपैरिजन विद ऑप्शनल्स लाइक सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल हैज अ मच लोअर सक्सेस रेट. लॉ एज एन ऑप्शनल इज द ओनली ऑप्शनल जिसका सक्सेस रेट मैनेजमेंट और काफ़ी अदर ऑप्शनल से ज़्यादा रहा है ऑन एन एवरेज इन द पास्ट 10 ईयर्स. सो इफ यू कंसिडरिंग मैनेजमेंट एज एन ऑप्शनल, देन ऑन द सक्सेस रेट इट इज अ वेरी गुड ऑप्शनल. इट इज बिटवीन 8-12%, बट मेजर टाइम में 10-12% के बीच में रहा है. द सेकेंड पैरामीटर इज स्कोरिंग. अब मैनेजमेंट ऑप्शनल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा है दैट देर इज नो गाइडेंस अवेलेबल ऑनलाइन और ऑफलाइन एज वेल. So what happens is, it is seen in the past 10 years that the toppers of managements have scored about 20-30 marks lower than the toppers of
अदर ऑप्शनल्स विच आर मोर पॉपुलर इन द मार्केट. ऐसा क्यों रहा है? व्हाई इज द गैप? द गैप इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गाइडेंस. ओके, बिकॉज पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या लिखना है या किस तरह से उस गैप को कम करना है और हाउ डू यू कन्वर्ट 300 इनटू 320 मार्क्स. दैट इज व्हाई दैट गैप एग्जिस्ट्स. एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम सेइंग. देर आर सर्टन ब्लॉग्स ऑनलाइन जहाँ पर सक्सेसफुल स्टूडेंट्स ने जो कि IRS IAS हैं इन मैनेजमेंट ऑप्शनल, दे हैव मैंशनड दिस वेरी स्पेसिफिकली. द थर्ड पॉइंट इज जो स्कोरिंग है वो कितनी स्टेबल रही है. नाउ इट इज़ पॉपुलरली नोन कि ऑप्शनल्स लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ज्योग्राफी आर नॉट वेरी स्टेबल. कभी स्कोर बहुत ऊपर जाता है, कभी स्कोर बहुत नीचे जाता है. बिकॉज मैनेजमेंट ऑप्शनल इज अ स्मॉल ऑप्शनल, 200-300 लोग लिखते हैं, उसमें से अबाउट 100 पीपल आर एबल टू राइट मेन्स, आउट ऑफ दैट अबाउट 70-80 पीपल आर एबल टू गो टू द इंटरव्यू फॉर एग्जाम्पल. तो बहुत एक छोटा सा ऑप्शनल है जिसमें बहुत कम लोग लिखते हैं. तो एग्जामिनर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है ऑप्शनल को चेक करने का, नंबर वन. एंड एट द सेम टाइम UPSC ऑल्सो डज नॉट टारगेट सच एन ऑप्शनल. सो दैट इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज बिकॉज स्टेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग इज़ वेरी गुड. ऐसा नहीं है कि UPSC ने टारगेट किया या UPSC को कुछ डायरेक्शन आई पीछे से और आपके स्कोर्स बहुत ही कम मिले, जैसा कुछ ऑप्शनल्स के साथ नॉर्मली हुआ है इन द पास्ट. सो इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शनल व्हेन इट कम्स टू स्टेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग, व्हेन इट कम्स टू सक्सेस रेट. अगर आप स्कोरिंग की बात करोगे तो टॉपर्स में जाना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गाइडेंस इन द पास्ट अबाउट 7-8 ईयर्स. द फोर्थ इज सिलेबस, कितना लिमिटेड है या कितना वास्ट है. आई डू नॉट एक्चुअली बिलीव इन द आइडिया दैट चूज एन ऑप्शनल विच हैज़ अ लिमिटेड सिलेबस. बिकॉज कहने के लिए दूर से कोई भी ऑप्शनल अच्छा और छोटा लगता है. द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, बट द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर वेयर यू वाटर इट. So if you actually believe in an optional, if you actually believe in something that you're studying, if you like it, if you understand it, then no matter how big or small the syllabus is, you will be able to tackle it very well. To koi bhi optional ka syllabus bahut chhota nahi hai, kisi bhi optional ka syllabus bahut bada nahi hai. It is actually a marketing gimmick in UPSC coachings. The next point is static part of the syllabus. Now this is a very good thing about management and all the other technical optionals. कि वहाँ पे स्टैटिक पार्ट ऑफ सिलेबस इज मेजॉरिटी ऑफ योर एंटायर सिलेबस. इनफैक्ट गवर्नमेंट बिजनेस इंटरफेस इज द ओनली पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑप्शनल विच इज़ अ लिटिल डायनेमिक इन नेचर. अदर देन दैट एवरीथिंग एल्स इज कम्प्लीटली स्टैटिक. यू आर डन विद इट वंस, यू आर डन विद इट फॉर एवर. यू डोंट हैव टू रिपीट इट अगेन, यू जस्ट हैव टू कीप रिवाइजिंग इट. सो इट स्टैंड्स गुड ऑन दिस पैरामीटर एज वेल, स्टैटिक पार्ट ऑफ द सिलेबस. आउट ऑफ 5 पैरामीटर्स, On 4 parameters, we have stood our ground. When it comes to scoring, only then we have faltered because management optional ki guidance available nahi hai, toh top mein score jana thoda mushkil ho jata hai. The last point, which is one of the most important points here, is ki kitna zyada technical hai optional. Now, this is where management, just like other optionals which are more technical in nature, is limiting itself. So agar aap ek commerce background ke ho, if you have done CFA, if you have done chartered accountancy, if you have done MBA, then management optional as an optional is a very good choice. Commerce bhi ek optional hai jo bhi aap choose kar sakte hain. If you are specifically ya to aapne BCom kiya hai, MCom kiya hai, chartered accountancy kiya hai, to ho sakta hai aapko commerce zyada suit kare. Dono hi optional bahut similar hain. There are 2-3 chapters or 2-3 topics which are different in both the optionals, जो आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, जो मैं ओवर टाइम कवर भी करूंगा. सो व्हेन इट कम्स टू टेक्निकल पार्ट ऑफ द सिलेबस, यस इट इज़ अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट. कहीं कहीं पर इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम द बैकग्राउंड, यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इट. इवन इफ यू आर अ पार्ट ऑफ यू नो द सेम एजुकेशन बैकग्राउंड, तो आपको प्रॉब्लम तो आएगी ही, स्पेशली इन एरियाज लाइक ऑपरेशंस मैनेजमेंट. बट इफ यू डन योर MBA हायर स्टडीज किया है, देन इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू. सो For people who are not from the background, they might find it a lot more difficult and not very advisable to go for a technical optional like this. But if you are from the background, then it's a very good optional. So, हमने 6 parameters check किए, उसमें से 4 parameters में management optional as an optional comes out to be good. 2 parameters में it is limiting itself because of the reasons that I gave. I'm very sure ये parameters को समझ के आपको decide करने में आसानी होगी whether to take management as an optional in your UPSC journey or not.
ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय।